दोस्तों आज आईपीएल में एक और रोमांचक मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच खेला गया। दोस्तों इस मैच का टॉस राजस्थान के कप्तान स्टीव स्मिथ ने जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया और स्मिथ के इस फैसले को सही साबित किया रॉबिन उथप्पा ने, जब ओपनिंग में मिले मौके को खूब भुनाया और ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी की। हालांकि दूसरे छोर से बेन स्टोक आज लय में नजर नहीं आए और 19 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें क्रिस मॉरिस ने डिविलियर्स के हाथों कैच आउट करवाया। दोस्तों पहला विकेट लेने के बाद आरसीबी ने एक के बाद एक 3 विकेट झटक दिए, जिससे राजस्थान की टीम थोड़ा लड़खड़ा गई और एक समय 50 रन पर एक भी विकेट न खोने वाले राजस्थान 69 रन पर 3 विकेट खो दिए। आज शानदार लय में नजर आ रहे रॉबिन उथप्पा को चतुर चहल ने फिंच के हाथों कैच आउट करवाकर राजस्थान को दूसरा झटका दिया। रॉबिन उथप्पा ने महज 22 गेंदों में ही 41 रन ठोक दिए। दोस्तों इस बड़े झटके से राजस्थान उबर ही नहीं पाई थी कि अगली ही गेंद पर चहल ने संजू सैमसन को अपनी फिरकी में फंसा दिया। सैमसन का खराब फॉर्म उनका यहां भी पीछा नहीं छोड़ा और 6 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब 69 रन पर 3 विकेट गंवाकर मुसीबत में फंसी राजस्थान को कप्तान स्टीव स्मिथ ने संभाला और पहले जोस बटलर के साथ 58 रन की पार्टनरशिप करके स्कोर को 127 रन तक पहुंचाया। हालांकि जोस बटलर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में नवदीप सैनी को कैच थमा बैठे। बटलर ने 25 गेंद में 24 रन बनाए। दोस्तों बटलर के आउट होने से स्टीव स्मिथ को कुछ फर्क नहीं पड़ा और वे अपना बड़ा शॉट खेलते चले गए और 36 गेंदों में 57 रन बनाकर टीम को 150 के पार पहुंचाया। फिर अंत में तेवतिया ने 11 गेंदों में नाबाद 19 रन बनाकर 177 रन के लड़ने लायक स्कोर तक टीम को पहुंचाया। अब दोस्तों 178 रन का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही और 23 रन पर ही पहला झटका लग गया, जब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने फिर आरसीबी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी और 14 रन बनाकर ही चलते बने। दोस्तों पहला विकेट गिरने के बाद रन मशीन विराट कोहली ने देवदत्त पेडिकल के साथ पारी को संभाला और 79 रनों की शानदार पार्टनरशिप करके स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया और आरसीबी को एक मजबूत स्थिति में लेकर गए। लेकिन तभी इस शानदार साझेदारी को राहुल तेवतिया ने तोड़ा, जब देवदत्त पेडिकल को बेन स्टोक के हाथों कैच आउट कराया। दोस्तों पेडिकल ने 35 रन बनाए लेकिन 37 गेंदें लगाई और काफी धीमा खेले, जिसकी वजह से रन रेट बढ़ गया, जिसका दबाव विराट कोहली पर आ गया। लेकिन अगली ही गेंद पर कार्तिक त्यागी ने कोहली को आउट कर राजस्थान की इस मैच में वापसी करा दी और 102 रनों पर ही कोहली को खोने के बाद आरसीबी फिर इस मैच में पिछड़ गई। लेकिन दोस्तों एबी डिविलियर्स की जितनी तारीफ की जाए कम होगी, जिन्होंने न सिर्फ आरसीबी को मुश्किल घड़ी से निकाला बल्कि हारी हुई बाजी को जिताया। दरअसल आपको बता दें आरसीबी को 18 गेंदों में 44 रनों की जरूरत थी, जो बिल्कुल भी आसान नहीं थी। लेकिन डिविलियर्स ने पहले 18वें ओवर में कार्तिक त्यागी के ओवर से 10 रन बटोरे। अब 12 गेंदों में 35 रनों की जरूरत थी लेकिन जोफ्रा आर्चर के ओवर बचे थे, तो ऐसे में ये बड़ी मुश्किल काम था यहां से आरसीबी को मैच जिताना। लेकिन डिविलियर्स ने 19वां ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट के ओवर से मैच को पूरा खत्म कर दिया, जब 3 लगातार छक्का लगाकर 25 रन ठोक दिए। अब 6 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी तो जोफ्रा आर्चर के गेंद पर छक्का लगाकर हारे हुए मैच को जिता दिया। दोस्तों डिविलियर्स ने मात्र 22 गेंदों में ही 6 छक्कों की मदद से 55 रन ठोक दिए, जिसकी वजह से आरसीबी हारी हुई मैच को जीत पाई।